न्यूज देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महिला का लालच देकर किया अपहरण, फिर की हत्या। सरकारी डॉक्टर की छुट्टियां करे रद्द। भीमापुर में 30 कोरोना संक्रमित। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। महिला का लालच देकर किया अपहरण, फिर की हत्या। सूत्रों के अनुसार 4 मार्च 2012 को आरोपी रंजीत से फैलकर शरद उर्फ कालू हाटे, भरत हाटे, छोटू बागड़े, हेमंत गोरखा व अन्य साथियों ने मनीष को महिला का लालच देकर उसका अपहरण किया। उसके बाद पवन गांव में एक मकान में आरोपियों ने मनीष की हत्या कर उसका शव कामटी में लेकर आए थे, जहां मनीष श्रीवास के शव के टुकड़े टुकड़े किए गए थे। उसके बाद उन टुकड़ों के कार में डालकर कुरई घाट में ले जाकर फेंका गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी शरद उर्फ कालू हाटे, भरत हाटे को 26 मार्च को और हेमंत गोरखा को 29 मार्च को गिरफ्तार किया। हेमंत गोरखा और घाटे बंधुओं ने पूछताछ में रंजीत सफेलकर को घटना का सूत्रधार बताया था। तब से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। हाटे बंधुओं और हेमंत गोरखा को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के मार्गदर्शन में करीब 15 पुलिस दस्ते रंजीत सफेलकर की खोजबीन में जुटे थे। उसकी तलाश महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक की गई थी। अंत में उसे नागपुर से ही गिरफ्तार किया। तो वही दूसरी ओर सरकारी डॉक्टरों की छुट्टी करे रद्द। पालक मंत्री नितिन राउत ने बताया कि संपूर्ण महाराष्ट्र में नागपुर जिले में ही मृत्यु दर सबसे अधिक है। मरीजों को बेड नहीं मिलने की शिकायत भी बढ़ रही है। मरीजों को बेड मिल सके इसके लिए बेड की संख्या बढ़ाने और सभी डॉक्टरों सहित स्टाफ की छुट्टियां रद्द करने का निर्देश दिए हैं। बुधवार को राउत ने विविध अस्पतालों सहित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। उन्होंने एलेक्सिस हॉस्पिटल में ओ मेडिकल का निरीक्षण भी किया। उनके साथ विभागीय आयुक्त डॉक्टर संजीव कुमार, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन भी, जिला अधिकारी रविंद्र ठाकरे, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। तो वही तीसरी ओर भीमापुर में 30 कोरोना संक्रमित। भीमापुर शहर व तहसील में बुधवार को कुल मिलाकर फिर 30 लोग कोरोना संक्रमित पाए जाने की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण राउत ने दी है। स्वास्थ्य केंद्र में 15 व्यक्ति, सोमनाला में 30, ग्रामीण अस्पताल कोविड-19 सेंटर में 6, नान स्वास्थ्य केंद्र में 6 लोग संक्रमित पाए जाने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्राप्त हुई। रोज कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ने से भीमापुर स्वास्थ्य विभाग ने चिंता व्यक्त की है। स्थानीय प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई अमल में लाना जरूरी है, वरना हर घर में कोरोना संक्रमित का खतरा बढ़ सकता है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।